वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम लोग जो है पार्ट फर्स्ट में एसिड्स एंड बेसिस के सभी कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम क्या है? एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो आखिर हम लोगों को ये पता होना चाहिए, और आप लोग क्लास 8th 9th में ये पढ़ते भी आ रहे हो कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को समझ लें, तो फिर हम लोग जो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अगर हम लोग एसिड्स के बारे में बात करें, तो एसिड्स आर जनरली सोर इन टेस्ट। तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं ये खट्टे होते हैं, दे आर सोर इन टेस्ट एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और ये हमारे लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देते हैं? ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर लिटमस पेपर क्या होता है? तो बेटा अभी हम लोग बात करेंगे। लिटमस पेपर आपका क्या होता है? एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है? तो इंडिकेटर को भी अभी हम लोग समझेंगे। अभी के लिए आप लोग समझ लो कि एसिड्स आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खट्टे होते हैं, और ये आपके ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिस की अगर हम लोग बात करें, तो बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। अब जितने भी आपके बेसिस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, ये कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर हम लोग सॉल्ट्स की बात करें, तो सॉल्ट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो देखिए हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं, ये सॉल्ट्स हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जब आपके एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करने के बाद जो हमको केमिकल सब्सटेंस मिलता है, जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्ट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉल्ट बोल देते हैं। नाउ ए क्वेश्चन मस्ट बी अराइज इन योर माइंड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस विद अदर वे। तो हम लोग किस तरीके से इसको दूसरे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? भाई अभी तो हम लोग इनको टेस्ट कर ले रहे हैं। हम लोगों ने टेस्ट किया, बता दिया कि अगर खट्टा होगा तो एसिड होगा, अगर आपका कड़वा होगा तो वो क्या होगा बेटा? वो आपका बेस होगा। तो भाई हर बार हम लोग जो है एसिड को बेटा टेस्ट थोड़ी ना कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों के पास क्या होते हैं? कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे एसिड्स एंड बेसिस को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इंडिकेटर्स की बात करें, तो देखिए दो सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल व्हेन दे कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एसिड्स और बेसिस दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स हमारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब भी हम लोग जो है इनको एसिड्स और बेसिस के पास लाते हैं, या जब ये हमारे एसिड और बेसिस के साथ कंबाइन करते हैं, तो ये क्या करते हैं? या तो ये अपने कलर को चेंज करते हैं, और या फिर ये क्या करते हैं? अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तो अब हम लोग जो है इंडिकेटर्स के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली बेटा आपके इंडिकेटर्स जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो बारी बारी से अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर को समझेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, फिर हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर को समझेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स को देखें, तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपके ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर बेटा जो अभी आप लोगों ने देखा था, जो क्या कर रहा था? जब एसिड के कॉन्टैक्ट में आ रहा था तो रेड कलर का हो जा रहा था, जब बेस के कॉन्टैक्ट में आ रहा था तो ब्लू कलर का हो जा रहा था। तो ये लिटमस पेपर आपको कहाँ से मिलता है? लाइकन प्लांट से मिलता है। इसी तरीके से रेड कैबेज लीव्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेजिया प्लांट। तो आपके जो हाइड्रेजिया प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक, आप लोगों ने हल्दी देखा होगा, आपके क्लोथ में अगर हल्दी गिर जाती है और फिर आप उसको जब जो है साबुन से या निरमे से वॉश करते हो तो वहाँ पे रेड कलर का हो जाता है। अब ये रेड कलर क्यों होता है अभी हम लोग इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या होंगे? दैट इज़ पिट्यूनिया एंड जीरेनियम। तो ये सभी आपके क्या हैं?
नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब हम लोग जो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे सभी केमिकल सब्सटेंस जो हमारे एसिड्स और बेसिस को आइडेंटिफाई करते हैं और जिन केमिकल सब्सटेंस को ह्यूमन बींग्स ने खुद से तैयार किया होता है, वो सारे इंडिकेटर्स हमारे क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ दो ही सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, दैट इज मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन। तो यहां पर हम लोग मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करेंगे और फेनोप्थिलीन के बारे में बात करेंगे, इससे ज्यादा हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? नेक्स्ट बेटा हमारा क्या आता है, दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं? तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस बेटा जो अपनी ऑर्डर को चेंज करते हैं जब हमारे एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो सारे इंडिकेटर्स आपके क्या कहलाते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दैट इज वेनीला, क्लोव एंड अनियन। ठीक है, तो ये तीनों हमारे क्या होते हैं बेटा? दे आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और एक एक करके अभी हम लोग जो है इनको समझेंगे कि किस तरीके से ये अपनी स्मेल को चेंज करते हैं जब ये एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के इंडिकेटर होते हैं। अब हम लोग जो है जितने भी इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, चाहे फिर वो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हों, चाहे फिर वो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हों, और फिर हमारे ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हों, जितने भी तरीके के इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये इंडिकेटर्स जब हमारे एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो किस तरीके से ये अपने कलर को चेंज करते हैं या अपनी ओडोर को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए नेचुरल इंडिकेटर्स में बेटा आपके चार इंडिकेटर्स हैं। पहला आपका लिटमस है बेटा, नेक्स्ट वन इज रेड कैबेज, थर्ड वन इज हाइड्रेजिया प्लांट एंड द फोर्थ वन इज टर्मरिक। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे बेटा कि जब ये नेचुरल इंडिकेटर्स एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके कलर में क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बेटा लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं। लिटमस पेपर जो आपका होता है बेटा, जब ये एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये लिटमस पेपर बेटा जब आपका बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर का रहता है। एक्चुअल में जो आपका लिटमस पेपर होता है बेटा, इसका नेचुरल कलर क्या होता है? इट इज पर्पल इन नेचर। ये आपका पर्पल कलर का होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको एसिड के कॉन्टैक्ट में लाते हैं ये रेड कलर का हो जाता है, जैसे ही इसको बेस के कॉन्टैक्ट में लाते हैं ये ब्लू कलर का हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इंडिकेटर है रेड कैबेज। अब देखिए रेड कैबेज की बेटा अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग इसको एसिड के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो इसका कलर रेड रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको बेस के कॉन्टैक्ट में लाते हैं ये ग्रीन कलर का हो जाता है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा बेटा कि ये जो आप इंडिकेटर्स पढ़ रहे हो कि कौन सा इंडिकेटर किसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके कलर में क्या चेंज पड़ेगा, यहां से 100% क्वेश्चन आता है, तो इस पोर्शन को स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। थर्ड वन इज हाइड्रेजिया प्लांट। तो देखिए जो आपका बेटा हाइड्रेजिया प्लांट है, जब ये एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है बेटा तो ये रेड कलर को शो करता है, और जब ये आपका बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये पिंक कलर को शो करता है। इसी तरीके से देखिए टर्मरिक के बारे में बात करते हैं, हल्दी के बारे में। देखिए जो आपकी टर्मरिक होती है बेटा, जब ये आपके एसिड के कॉन्टैक्ट में आते ही तो कोई भी चेंज नहीं होता, जब ये आपके एसिड के कॉन्टैक्ट में आती है तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जब ये आपके बेस के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये रेड कलर को शो करती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके कपड़े में हल्दी गिर जाती है या आप लोग गिरा भी लोगे उस हल्दी को, और उसके बाद जब आप उसको जो है डिटर्जेंट से क्या करते बेटा वॉश करते हो, तो आप लोगों ने चेक किया होगा या आपकी मॉम को पता होगा, आप अपनी मॉम से पूछेगा, ठीक है, वो जो है रेड कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं बेटा ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से टर्मरिक बेटा जो है जब आपका बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये रेड कलर को शो करता है। नेक्स्ट हमारे क्या है बेटा, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स हमारे दो थे, मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थिलीन। अब देखिए बेटा मिथाइल ऑरेंज जब आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये रेड कलर को शो करता है, किस कलर को शो करता है? रेड कलर को शो करता है। और यही मिथाइल ऑरेंज बेटा जब आपका बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये येलो कलर को शो करता है। इसी तरीके से अब हम लोग फेनोप्थिलीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए फेनोप्थिलीन बेटा जब आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसकी सोल्यूशन कलरलेस हो जाती है। अगर आप लोग फेनोप्थिलीन को एसिड के कॉन्टैक्ट में लाओगे तो ये कलरलेस हो जाएगा, लेकिन यही फेनोप्थिलीन बेटा जब आप बेस के कॉन्टैक्ट में लाओगे तो ये किस कलर को शो करता है? ये आपके पिंक कलर को शो करता है। अब हम लोग जो है बेटा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं।
तो देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं बेटा, अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। और क्लास टेंथ में हमें तीन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ने हैं, पहला हमारा वनीला, नेक्स्ट हमारा क्लोव ऑयल एंड थर्ड वन हमारा ओनियन। तो देखिए वनीला बेटा जब आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसकी सेम स्मेल रहती है, जैसी इसकी स्मेल होती है वैसी ही रहती है। लेकिन बेटा जब ये आपका बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसकी स्मेल क्या कर जाती है, डिसअपियर कर जाती है, मतलब इसके पास अब कोई स्मेल नहीं रहती। इसी तरीके से आपका जो क्लोव ऑयल होता है बेटा, तो क्लोव से हमारा क्या आता है बेटा, क्लोव ऑयल आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा लौंग, घर में आपके लौंग खाते होंगे दादी बाबा, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, क्लोव ऑयल बनता है बेटा। और ये क्लोव ऑयल जब आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसकी सेम स्मेल रहती है, इसकी स्मेल में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपका बेस के कॉन्टैक्ट में आता है बेटा तो इसकी स्मेल क्या कर जाती है, डिसअपियर हो जाती है। इसी तरीके से अगर ओनियन को देखो तो ओनियन के लिए बेटा आप लोगों को मैंने एक एक्टिविटी भी कराई है, जैसे ही ओनियन बेटा आपका एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये अपनी सेम स्मेल को शो करता है, इसकी स्मेल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब ये ओनियन बेटा आपका बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसकी स्मेल क्या कर जाती है, डिसअपियर कर जाती है, इसकी स्मेल नहीं रहती। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने क्या देख लिया कि हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जब एसिड और बेसिस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो किस तरीके से अपने कलर चेंज को शो करते हैं या किस तरीके से अपनी स्मेल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक होगा और कौन सा सब्सटेंस बेसिक होगा। अब इसी तरीके से हम लोग जो है एक नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका बेटा एक तरीके का सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। तो इट इज़ अ सोल्यूशन और ए स्ट्रिप ऑफ पेपर कंपोज्ड ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स। तो ये क्या है बेटा आपका, या तो ये आपकी एक सोल्यूशन हो सकती है या फिर ये आपका एक स्ट्रिप ऑफ पेपर होता है जिसमें 0 से 14 नंबर तक की पॉइंट्स गिवन होते हैं। अब ये क्या करता है बेटा, ये जो है वेरियस कलर्स को शो करता है जब ये एसिड्स और बेसिस के कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसको अभी हम लोग जो है डिटेल्ड में पढ़ेंगे पीएच स्केल के फॉर्म में। तो हम लोग जो है इसको अभी डिटेल्ड में आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारी पीएच स्केल क्या होती है और किस तरीके से जो है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को शो करती है जब ये एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आती है। और साथ ही साथ ये क्या करती है बेटा, ये आपके एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को भी बताती है। क्या बताती है, उसके स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती है। तो इसको भी हम लोग जो है आगे अच्छे तरीके से डिटेल्ड में समझेंगे। नाउ अब हम लोग जो है बेटा एसिड्स के बारे में बात करेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग एसिड्स के बारे में बात करें तो द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो ये आपका जो एसिड वर्ड है ये आपके एक लैटिन वर्ड से आया है, एसिडस से, जिसका मतलब क्या होता है, सोर। तो जितने भी बेटा आपके एसिड्स होते हैं ये सभी खट्टे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। तो जितने भी बेटा हमारे एसिड्स होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये कोरोसिव नेचर को शो करते हैं। मींस जैसे ही इनके कॉन्टैक्ट में मेटल्स आते हैं ये क्या करते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। इसी तरीके से अगर बेटा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ह्यूमन हैंड जो है उसके कॉन्टैक्ट में आएगा या एनिमल स्किन उसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये क्या कर देंगे, उसको डैमेज कर देंगे, उसको बर्न कर देंगे, इतने ज़्यादा ये डेंजरस होते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, कि एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे गिव एच पॉजिटिव आयंस। अब जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं जब हम लोग जो है इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एच पॉजिटिव आयंस को लिबरेट करते हैं। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब ये एच पॉजिटिव आयंस आपके वाटर के साथ कंबाइन करके बेटा H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो अगर हम लोगों को कभी भी बोला जाए कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि सामने वाला केमिकल सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो अगर कोई सब्सटेंस जो है वाटर में H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कर रहा है या H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन कर रहा है तो वो हमारा केमिकल सब्सटेंस क्या रहा होगा बेटा, वो हमारा एसिड रहा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है बेटा एसिड्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि किन बेसिस पे हम लोग जो है एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन, कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो जनरली बेटा सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमारे जो एसिड्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये हमारे दो तरीके के होते हैं, एक आपके ऑर्गेनिक एसिड्स और एक आपके मिनरल एसिड्स।
तो देखिए जितने भी बेटा आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये ऐसे एसिड्स होते हैं बेटा जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सभी एसिड्स जिसमें आपके कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे एसिड्स हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाएंगे। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे आपके, ये सभी के सभी जो है आपके वीक एसिड्स होंगे। ये क्या होंगे? आपके वीक एसिड्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें बेटा, तो CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, HCOOH, ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड, जितने भी कार्बोजाइलिक एसिड होंगे ये भी हमारे क्या होंगे, वीक एसिड्स होंगे। अब इसी तरीके से अगर हम लोग मिनरल एसिड्स के बारे में बात करें, तो मिनरल एसिड्स आपके क्या होते हैं बेटा, मिनरल एसिड्स आपके ऐसे एसिड्स होते हैं जो हमको रॉक से मिलते हैं, ठीक है, जो हमें मिनरल से मिलते हैं। दे आर हाईली कोरोजिव इन नेचर, ये आपके क्या होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा कोरोजिव नेचर के होते हैं। और ये आपके क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे बेटा, मिनरल एसिड्स हो जाएंगे। अब हम लोग जो है एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो एसिड्स को हम लोग जो है दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। तो वाटर के अमाउंट के बेसिस पे एसिड्स बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज कंसेंट्रेटेड एसिड एंड द सेकेंड वन इज डाइल्यूटेड एसिड। तो देखिए कंसेंट्रेटेड एसिड आपके ऐसे एसिड्स होते हैं बेटा जिसमें आपके एसिड्स का जो अमाउंट होता है ये ज़्यादा होता है और वाटर का अमाउंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ऐसे सभी एसिड्स जिसमें आपके एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, ये आपके कंसेंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। तो इसको हम लोग जो है कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग डाइल्यूटेड एसिड्स की बात करें, तो इसमें जो वाटर का अमाउंट होता है ये एसिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड्स आपके वीक एसिड्स भी होते हैं क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादा पानी मिला देते हैं। और कंसनट्रेटेड एसिड्स आपके क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, ओके। इसको हम लोग किस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा, तो इसको हम लोग जो है DIL की फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया कि कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, डाइल्यूटेड एसिड क्या होते हैं। ये बेटा 1 मार्क्स में आपकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और ये आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। क्लास 12th में भी आप जो है एसिड्स पढ़ोगे तो कंसेंट्रेटेड डाइल्यूटेड वर्ड आएगा, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो खूब अच्छे तरीके से आप लोग जो है इसको समझते हुए चलिएगा। थर्ड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। तो जितने भी बेटा हमारे एसिड्स हैं उनको हम लोग जो है एच पॉजिटिव आयंस के कंसेंट्रेशन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो एच पॉजिटिव आयंस के कंसेंट्रेशन के बेसिस पे जो हमारे एसिड्स होते हैं बेटा, ये दो तरीके के होते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज वीक एसिड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मोर एच पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो जितने भी हमारे एसिड्स हैं जब हम लोग उनको वाटर में डिसॉल्व करें और वहाँ पे अगर हमारे H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो वो सारे के सारे एसिड्स आपके क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे ये आपके कम्प्लीटली डिसोशिएट कर जाएंगे H पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। तो ऐसे सभी एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएँ, जो पूरे के पूरे डिसॉल्व कर जाएं और H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करें, वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। और इसमें आपके एग्जांपल क्या आ जाएंगे बेटा, HCl, HNO3 एंड H2SO4। तो जितने भी आपके बेटा मिनरल एसिड्स होंगे ये सारे के सारे आपके क्या होंगे बेटा, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये आपके कम्प्लीटली डिसोशिएट कर जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग जो है बेटा वीक एसिड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वीक एसिड्स आपके ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट है या इनका जो कंसेंट्रेशन है ये बहुत कम होता है एज़ कंपेरेटिव टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जितने भी हमारे वीक एसिड्स होंगे जब हम लोग इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस का कंसेंट्रेशन होगा ये बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है बेटा? देखिए मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी NCERT में गिवन है और ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग जो है अगर इस पूरे चैप्टर को जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ लोगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। अब अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखें,
तो जितने भी हमारे वीक एसिड्स होते हैं बेटा, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं कर पाते, ये आपके पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, समझे। मींस ये कंप्लीटली डिसॉल्व करके एच पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन नहीं करते, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके जितने भी वीक एसिड्स हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड हो गया, आपके ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये आपका एसिटिक एसिड है, ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा, आपके वीक एसिड्स के एग्जांपल हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी और किस तरीके से हम लोग जो है एसिड्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इसको देखा। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बेसिस आर जनरली बिटर इन टेस्ट। तो जितने भी हमारे बेस होते हैं ये आपके कड़वे होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, दे टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू। अब जितने भी बेस होंगे ये क्या करेंगे, ये आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दे फॉर्म्ड OH आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो जितने भी आपके बेस होते हैं जब हम लोग इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, OH आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक बेस है, हम लोगों ने इसमें क्या किया, वाटर को ऐड किया, तो इसने क्या किया, OH आयंस की फॉर्मेशन करी। नेक्स्ट क्या है, बेसिस विच आर सल्यूबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलीज। अब जितने भी आपके बेस होते हैं जो वाटर में सल्यूबल होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कि दे ऑल्सो न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एसिड। अब जितने भी हमारे बेस होते हैं जब ये एसिड के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आपके एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अब देखिए जो हमारा एसिड होता है बेटा इसके पास एच पॉजिटिव आयंस होते हैं। नाउ बेस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो बेस होता है इसके पास OH आयंस होते हैं। तो देखिए बेस जब एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो एच पॉजिटिव आयंस OH के कॉन्टेक्ट में आए, इसका मतलब क्या हुआ, अब जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। तो देखिए बेस ने क्या किया, एसिड के इफेक्ट को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि जितने भी आपके बेस होते हैं ये क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो अब हम लोग जो है बेसिस की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ OH आयंस। तो अगर हम लोग OH आयंस के बेसिस पे बात करें तो जनरली बेसिस जो हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड द नेक्स्ट वन इज वीक बेस। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो ऐसे सभी बेस जो कम्प्लीटली डिसोशिएट करके OH आयंस की फॉर्मेशन करें वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या है आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्योंकि जब ये वाटर के साथ कंबाइन करते हैं बेटा तो ये कम्प्लीटली जो है डिसोशिएट कर जाते हैं और OH आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वीक बेसिस की बात करें तो वीक बेस आपके कैसे बेस होते हैं, देखिए ऐसे सभी बेस जो हमारे कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं कर पाते और OH आयंस की फॉर्मेशन नहीं कर पाते वो सारे बेस हमारे क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल, ये सारे आपके क्या हैं, वीक बेसिस हैं। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को देखें तो ये क्या है बेटा हमारी, ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। तो जिस तरीके से बेटा एसिड्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था वाटर के अमाउंट के बेसिस पे, उसी तरीके से जो हमारे बेस होते हैं ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक कंसनट्रेटेड बेस, एक आपका डायल्यूटेड बेस। तो अगर हम लोग कंसनट्रेटेड बेस की बात करें तो देखिए ऐसे सभी बेस जिसमें हमारे वाटर का अमाउंट कम हो और बेस का अमाउंट ज़्यादा हो वो सारे बेस हमारे कंसनट्रेटेड बेस कहलाते हैं। ठीक वहीं पे अगर हम लोग डाइल्यूटेड बेस की बात करें तो ऐसे सभी बेस जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो और बेस का अमाउंट कम हो वो सारे बेस हमारे क्या कहलाते हैं, डाइल्यूटेड बेस कहलाते हैं। अब हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास क्या होंगे बेटा, कुछ नेचुरल सोर्स प्रेजेंट होंगी और उनमें कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उनको देखेंगे, बिकॉज यहाँ से आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन हर साल आता है। तो फर्स्ट आपका क्या है, विनेगर। तो विनेगर में बेटा आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग मिल्क की बात करें तो बेटा मिल्क में आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगर हम लोग लेमन और ऑरेंज की बात करें बेटा तो लेमन और ऑरेंज में आपका क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, टोमेटो। तो टोमेटो में बेटा आपका एस्कॉर्बिक एसिड या ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग जो है आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग के बारे में बात करें। तो बेटा नेटल क्या है? नेटल आपका एक प्लांट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पास मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। इसी तरीके से टैमरिंड की बात की जाए तो बेटा टैमरिंड के पास टार्टरिक एसिड होता है। एप्पल के पास बेटा आपका क्या होता है? एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। और ग्रेप्स के पास भी क्या होता है बेटा? टार्टरिक एसिड होता है। तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो इन सारे नेचुरल सोर्स में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लिया, उनके क्लासिफिकेशन को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एसिड हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि बेस हमारे मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो देखिए, जब एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। अगर हम लोग यहाँ पे बेटा इसके एग्जांपल को देखें तो देखिए सोडियम हमारा क्या है? मेटल है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने सोडियम क्लोराइड बनाया जो कि हमारा एक सॉल्ट था, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक इसी तरीके से पोटेशियम, जब हमारा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने पोटेशियम सल्फेट बनाया जो कि एक साल्ट था, और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम लोग देखें तो सोडियम बेटा जब आपका कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट बनाया जो कि आपका एक सॉल्ट था, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई। तो आपके मेटल्स बेटा जब जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट को प्रोड्यूस करेंगे और हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे। ठीक इसी तरीके से बेटा हम लोग जो है बेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपके मेटल्स जो हैं बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ पे भी आपकी क्या होगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। तो ये बेटा दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती रही हैं। देखिए, जिंक जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज Na2ZnO2, और यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक इसी तरीके से बेटा, जब आपका एल्युमिनियम जो कि आपका एक मेटल है, जब आपका एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या फॉर्म करेगा? सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज NaAlO2, जो हमारा क्या है? सॉल्ट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी लिबरेट होगी। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी आती है, या आप लोग क्या बोल सकते हो कि किस तरीके से हम लोग जो है हाइड्रोजन गैस जो फॉर्म हो रही है उसके प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए बेटा, यहाँ पे आप लोग जो है अगर आप लोग लैब में हो तो वहाँ पे आपके पास बंसन बर्नर होगा, टेस्ट ट्यूब में बेटा या आपके बीकर में जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। इस टेस्ट ट्यूब या बीकर में आप लोग क्या कर दो बेटा, एक जो है पाइप डाल दो, और उस पाइप से जो है आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और इसके बाहर आप लोग क्या ला दो, यहाँ पे आप लोग कैंडल लगा के रख दो। जैसे ही ये गैस कैंडल के कॉन्टेक्ट में आएगी बेटा, ये क्या करेगी? पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। ये क्या करेगी? पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। और जब ये पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी तो बड़े आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस होगी, क्योंकि हमारी जो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि ऐसे सब्सटेंस जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, उनको जैसे ही हम लोग जो है हीट के कॉन्टैक्ट में लाते हैं वो क्या करते हैं? एक्सप्लोड करते हैं। क्या करते हैं? एक्सप्लोजन करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से बेटा, जैसे ही आपकी कैंडल जो है ये हाइड्रोजन गैस के पास लाई जाएगी, ये क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस एक एक्सप्लोजन करेगी और पॉप साउंड को प्रोड्यूस करेगी। तो हम लोग बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, एसिड्स की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बेटा एसिड्स की बात करें तो एसिड्स जब आपके मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब आप लोग मेटल कार्बोनेट देख लीजिए,
मेटल कार्बोनेट आपका सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका क्या होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये क्या हो गए आपके, मेटल कार्बोनेट हो गए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए। तो अब हम लोग जो है बेटा रिएक्शंस को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी रिएक्शंस होंगी। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या फॉर्म किया, सोडियम क्लोराइड बनाया जो कि हमारा एक सॉल्ट था। वाटर की फॉर्मेशन करी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस किया। इसी तरीके से पोटेशियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, तो पोटेशियम कार्बोनेट जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया इसने पोटेशियम क्लोराइड बनाया, दैट इज़ KCl जो हमारा क्या था, सॉल्ट था, प्लस इसने वाटर की फॉर्मेशन करी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। थर्ड हमारा क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए, हम लोगों ने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया और एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और वाटर की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने कैल्शियम सल्फेट बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आ रही होगी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला CaHCO3 क्यों नहीं है। तो अगर आप लोगों को बेटा केमिकल फार्मूला बनाना नहीं आता है, आई बटन पे बेटा जो है मैंने वीडियो की लिंक डाल दी है, आप लोग चेक करके सारे केमिकल फार्मूले बनाना सीख लीजिए, अदरवाइज आपको बेटा समझ में नहीं आएगा। देखिए, कैल्शियम जो होता है बेटा इसकी वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी 1 होती है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसीलिए हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये करता है तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पे देखिए, आपका कैल्शियम सल्फेट बना था, यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, ठीक है। फिर वाटर की फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। तो ये देखिए आपकी सेम रिएक्शन है, बस केमिकल सब्सटेंस अलग अलग है, ठीक है। बन आपका क्या रहा है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट बनना है, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम सल्फेट बनना है। तो आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो सॉल्ट बनाएंगे, वाटर की फॉर्मेशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग बेस की बात करें बेटा, तो बेस आपके मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई भी रिएक्शन को शो नहीं करते, तो इनमें कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट आता है बेटा टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि किस तरीके से हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग एक जर्नल बात को याद रखिएगा कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमेशा बेटा आपके ब्रिस्क इफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होती है। अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया होगा तो आप लोग हमेशा थम्सअप पेप्सी की बोतल पीते हो जब, तो आप जब उसके ढक्कन को ओपन करते हो तो एक सन्न से आवाज आती है, तो दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट प्रेजेंस आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे बेटा, कि अगर इस गैस को आप एक कैंडल के पास लेकर के आओगे, एक कैंडल के पास लेकर के आओगे तो ये क्या कर देगा, उसको बुझा देगा, क्योंकि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बेटा ये फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम करती है। थर्ड आपका क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करें तो ये क्या फॉर्म करेगी, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगी, जो आपका क्या होता है बेटा वाइट कलर का कंपाउंड होता है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि जैसे ही हम लोग जो है लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं ये क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, बिकॉज यहाँ पे आपके कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है बेटा, जो आपका वाइट कलर का कंपाउंड होता है, और साथ ही साथ ये आपका क्या होता है बेटा, यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लीजिए, कि अगर हम लोग जो है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट में पास करें तो बेटा ये हमारा क्या बना लेता है, ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है, दैट इज कलरलेस एंड सल्यूबल इन वाटर। अब हम लोग जो है नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। तो बेटा जब हमारे एसिड्स और बेसिस आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो बेटा इसकी तीन क्राइटेरिया है। फर्स्ट आपका क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपके स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा तो यहाँ पे न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा,
और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बेटा एग्जांपल्स को देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड जब आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये पोटेशियम सल्फेट बनाता है और वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक, अगर हम लोग बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखें तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसने लिथियम क्लोराइड बनाया और वाटर की फॉर्मेशन करी। तो देखिए ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा है और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं बेटा, अपने इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो इसीलिए रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है कि भाई एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो एक आपका वीक बेस हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपके वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बेटा वीक कौन है, बेस है, तो हमारा किस तरीके का सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। तो जब ये आपका बेटा आपस में रिएक्ट कर रहा है तो ये अमोनियम क्लोराइड को बना रहा है जो कि हमारा एसिडिक सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है बेटा, अमोनियम सल्फेट को बना रहा है जो हमारा क्या है, एसिडिक सॉल्ट है और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप लोगों को याद क्या रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जब वीक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। केस थर्ड क्या हो सकता है कि आपके वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। अभी तक कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस था, अब क्या हो जाए कि वीक एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो देखिए कार्बोनिक एसिड हमारा क्या है, वीक एसिड है, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि हमारा क्या है, बेसिक सॉल्ट है। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड जब हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये पोटेशियम कार्बोनेट को बनाएगा और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होगी और ये पोटेशियम कार्बोनेट क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। इसीलिए आप लोगों ने अभी बेटा क्या नोटिस किया था कि जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये बेस के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज ये खुद बेटा बेसिक है, ये कंबाइन करेंगे लेकिन रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी तरीके से बेटा एक और केस हो सकता है, एक केस फोर्थ भी हो सकता है आपका, जब आपके वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करें। तो वीक एसिड जब आपके वीक बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटा अगेन यहां पे क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। और आप लोग सभी लोग बेटा कमेंट में जो है एक एग्जांपल ऐसा लिखिए जिसमें हमारा एक वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट कर रहा है और एक न्यूट्रल सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल आप सभी लोग जो है बेटा अपने कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए, मैं भी देखूं कि आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दैट इज़ योर होमवर्क, है ना, केस फोर आप लोग खुद से प्रिपेयर करिए। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारे एसिड्स मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आखिर ये मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है, ये किस नेचर के होते हैं। तो देखिए मेटल जब बेटा आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। और ये सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके कैसे होते हैं बेटा, ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इसने सोडियम ऑक्साइड बनाया, दैट इज बेसिक इन नेचर। इसी तरीके से पोटेशियम जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया बेटा तो इसने पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, दैट इज बेसिक इन नेचर। अब हम लोग जो है अपनी मेन रिएक्शन को देख लेते हैं कि भाई मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि देखिए मेटेलिक ऑक्साइड बेटा आपका क्या है, ये बेसिक नेचर को शो कर रहा है। अब ये बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही तो बनाएगा और यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया बेटा तो इसने सोडियम क्लोराइड बनाया, दैट इज ए सॉल्ट, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ। ठीक इसी तरीके से बेटा पोटेशियम ऑक्साइड जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे क्या बना बेटा आपका, वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड एग्जांपल को देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है बेटा, ये हमारा मेटेलिक ऑक्साइड है
दैट इज बेसिक इन नेचर। जब यह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, प्लस यहाँ पे क्या हुआ हमारा बेटा, वाटर भी प्रोड्यूस हुआ। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जिसमें हमारा मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट बना रहा है और वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा आई होप आप सब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं बेटा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए, बिकॉज मैं चाहता हूँ बेटा कि इस साल के अंत तक की अपने लोगों की फैमिली 100K हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा बेटा, और इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए डेली वीडियोस लाता रहूँगा। अब हम लोग जो है बेटा नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, पहले हम लोगों को क्या पता करना पड़ेगा कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का आखिर नेचर कैसा होता है। तो देखिए नॉन मेटल जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और ये सभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बेटा आपके एसिडिक नेचर को शो करते हैं। तो जब ये आपके एसिडिक नेचर को शो करते हैं तो देखिए जब ये सभी आपके एसिडिक नेचर को शो करते हैं तो जब ये एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्टी तो बनेगा। इसीलिए जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, दैट इज अ सॉल्ट। ये हमारा क्या, एक सॉल्ट है, और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरीके से बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे हमारा वाटर फॉर्म हो रहा है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को 5 सितारे लगा दूं, बिकॉज ये आना ही आना है। अब क्या बोल रहा है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेटा आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके क्या होते हैं बेटा, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को शो करते हैं। तो ऐसे सभी मेटल्स के ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर को भी शो करें और बेसिक नेचर को भी शो करें वो आपके क्या कहलाते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन देख लेते हैं एसिड्स और बेसिस के साथ। तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा आपके 2 हैं सिलेबस में, एक आपका क्या है बेटा जिंक ऑक्साइड एंड दूसरा क्या है बेटा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देखिए इसने क्या बनाया, सॉल्ट बनाया, दैट इज एल्युमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन करी। ठीक इसी तरीके से जब हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बना रहा है बेटा, सॉल्ट बना रहा है, दैट इज सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2, और यहाँ पे हमारा क्या बनना है, वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। इसी तरीके से हम लोग जिंक को देख लेते हैं, तो जिंक बेटा एक बार हमारा जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, जिंक क्लोराइड बनाया और वाटर की फॉर्मेशन करी। ठीक इसी तरीके से जब बेटा जिंक आपका बेस के साथ रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इसने क्या बनाया बेटा, सॉल्ट बनाया, दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और यहाँ पे आपकी क्या हुई, वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी तक बेटा हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस की बेटा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लिया, उनके डिफरेंसेस को देख लिया कि कब एसिड और बेस हमारे रिएक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस के साथ क्या फॉर्म करते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं बेटा कि जितने भी आपके एसिड्स होते हैं उन सारे के सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है, ठीक है, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी आपके बेसिस होते हैं उन सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो अगर हम लोग बेटा एसिड्स की बात करें तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं इन सब के पास H पॉजिटिव आयंस कॉमन होते हैं। अगर आप लोग वीक एसिड लो चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड लो इन सब के पास क्या होगा बेटा, H पॉजिटिव आयंस होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बेस की बात करें तो जितने भी बेटा आपके बेस होंगे चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हों चाहे वो आपके वीक बेस हों उन सब के पास OH आयंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है बेटा, एसिड जब हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। कोई भी एसिड हो आपका चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। सिमिलरली जो है बेटा बेस आपके जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें कॉमन हो गई।
नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, जितने भी आपके एसिड्स होंगे दे आर सोर इन टेस्ट, ये सभी आपके क्या होंगे, खट्टे नेचर के होंगे। वहीं पे बेटा अगर हम लोग बेसिस की बात करें तो जितने भी आपके बेसिस होंगे दे आर बिटर इन टेस्ट, ये सभी के सभी बेस आपके कैसे होंगे, ये कड़वे होंगे। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने जो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट के पार्ट फर्स्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया। आई होप आप लोगों को जो है बेटा हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा बेटा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। साथ ही साथ बेटा जो है अगर आप लोगों को इनके नोट्स की PDF चाहिए है तो आप लोग वेबसाइट पर जा सकते हो, टेलीग्राम में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, डायरेक्टली आप लोग जो है PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।